हेलो दोस्तों ये हम बड़ों के लिए हाइनिक बना रहे हैं देखिए इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले थ्री प्लाई का ऊन ले रखे हैं थ्री प्लाई का ऊन है और ग्यारह नंबर का हमारा यहाँ पे सिलाई है देखिए ग्यारह नंबर का सिलाई है इससे हम एक सौ एक फंदा यहाँ पे डाल लिए हैं फंदों को सिलाई पे डाल लिए हैं ये बहुत ही सरल है इसलिए हम ये फंदा डालकर आप लोगों को नहीं बतला रहे हैं फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे कि फंदा किस तरह से डाला जाता है सिलाई पे तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे फंदा डाल लेने के बाद में दो उल्टा और दो सीधा का बॉर्डर हम बनाते चले गए हैं देखिए दो उल्टा और दो सीधा का बॉर्डर हम किस तरह से बनाए हुए हैं इसे आइए देखते हैं पहला फंदा उतार लेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे ये दो फंदा सीधा हो गया फंदे को अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा बुनेंगे ये उल्टा हो गया फंदे को पीछे नीचे की ओर करेंगे और दो फंदा सीधा बुनेंगे तो ये हो गया दो सीधा तो इसे ही हम कहते हैं दो उल्टा दो सीधा का बॉर्डर तो ये जो बना रहे हैं इस पर दो उल्टा दो सीधा का बॉर्डर अगर आप बनाएंगे तो ये फिट बैठता है और आप इस पर जो ये हम यहाँ पे लिए हुए हैं फंदों को फंदों को अगर आप लेंगी जैसे इस इसमें हम एक सौ एक फंदा लिए हुए हैं अगर आप ज़्यादा फंदा लेंगी तो लूज होने का डर रहता है इसलिए हम एक सौ एक फंदा लिए हुए हैं कुछ ऊन भी हमारा रहता है बर्धमान का या उछवाल का तो ऊन भी फैलता है और इसे हम ग्यारह नंबर की सिलाई से बना रहे हैं आप भी इसे ग्यारह नंबर की सिलाई से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो देखिए इस तरह से दो उल्टा दो सीधा बुनते हुए हम इसे कितना इंच तक बुन लेंगे ये आप यहाँ पे टोटल आपका रहेगा साढ़े छः या सात इंच आप बुन लें हम यहाँ पे साढ़े छः इंच रखे हुए हैं तो साढ़े छः या सात इंच आप बुन लें बुन लेने के बाद में इसे दो भाग में हम विभक्त करेंगे सबसे पहले हम इस लाइन को बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं बस इसी तरह हमें बुनना है। दो उल्टा दो सीधा दोनों तरफ से बुनते हुए हम साढ़े छः इंच कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद हम यहाँ पे डिजाइन डालना शुरू करेंगे और इसमें डिजाइन के साथ में किस तरह से इसे घटाया जाए बढ़ाया जाए किस तरह से इसे इसकी आकृति दी जाए यह भी हम आप लोगों को बताएंगे इसके पहले भी हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं यह हाइनिक जो कि सिलाई से भी डाले हुए हैं तो इस लाइन को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लिए अब हम हम पे हमें क्या करना है इस तरीके से देखिए फंदा डालेंगे ये फंदा हम कुछ इस ढंग से डालेंगे एक इसे हम दो भाग में विभक्त करेंगे दो भाग में हम बांटेंगे इसे जो कि एक भाग आगे पल्ला का आ जाएगा और जो एक भाग रहेगा ये पीछे पल्ला का जाएगा तो दोनों में बांटेंगे जब हम तो हमें कुछ फंदा इस तरफ बढ़ाना पड़ता है कुछ फंदा इस तरफ बढ़ाना पड़ता है जैसे कि ये दोनों है तो दोनों में हमें कुछ फंदा इस साइड में बढ़ाना पड़ेगा और कुछ इस साइड में बढ़ाना पड़ेगा तो जो हमें बढ़ाना पड़ेगा फंदा उसे हम डाल रहे हैं यहाँ पे तो एक फंदा हम डाल चुके हैं ये रहा दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक नौ देखिए नौ फंदा हम यहाँ पे डालें अब हम एक बार तो यहाँ पे बांट लेंगे सबसे पहले फिर नौ फंदा इस तरफ भी डाल लेंगे इसके बाद हम कोई भी डिजाइन एक लाइन पूरा उल्टा बुन लेंगे इसके बाद हम कोई भी डिजाइन यहाँ शुरू करेंगे हम यहाँ पे हल्का फुल्का डिजाइन डालेंगे जो देखने में सुंदर लगे तो सबसे पहले चलिए इसे हम सीधा बुनते हैं जो बढ़ा हुआ नौ फंदा है जो हम अभी डाले हैं सिलाई पर इसे सबसे पहले हम बुन लेते हैं ये दो हो गया तीन चार पाँच सात। देखिए सात के बाद ये रहा आठ और ये रहा नौ अब जो हम बॉर्डर बुन रहे थे वो बॉर्डर बुनना हम बंद कर देंगे सबसे पहले नवा फंदा हम बुन लिए बॉर्डर बुनना बंद कर देंगे और हम प्लेन बुनते चले जाएंगे कितना फंदा हमें लेना है पचास फंदा हमें बुनना है तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे नौ छोड़ लेने के बाद हम गिनना शुरू करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये रहा पचास फंदा ये पचास फंदा हम बुन लिए अब देखिए अब हम इस तरफ भी कंफर्म हो लेते हैं गिनकर कितना फंदा हमारे पास है देखिए तीन दो पाँच यहाँ पे पाँच है दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस चालीस पैंतालीस पचास एक हम एक्स्ट्रा लिए थे क्योंकि हम 101 फंदों से इसे बना रहे थे तो एक फंदा जो एक्स्ट्रा हमारा था वो आप किसी भी साइड में बुन सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखिए ये हम दो भाग में विभक्त कर चुके हैं इसे बांट चुके हैं अब इसे हम इस ढंग से पलट लेंगे पलटने के बाद यहाँ पर हम फंदों को डालेंगे देखिए नौ फंदा जो हम नौ फंदा इस तरफ डाले हैं तो नौ फंदा हमें इस तरफ भी डालना होगा तो हम किस ढंग से डालेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ अब आप देख लें कि आपको सिलाई अलग लगाना है अलग सिलाई से आप बुनेंगी तो अलग सिलाई से आप बुन सकती हैं अच्छा रहेगा इसे उतार कर किसी दूसरे सिलाई में लगा दें रख लें या तो फिर ग्यारह नंबर का कोई और सिलाई है तो आप उससे लगा कर इसे पूरा उल्टा यहाँ तक बुन लें तो चलिए इसे हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं फिर हम इसमें कोई प्यारा सा डिज़ाइन शुरू करेंगे तो देखिए इसे हम दो लाइन में बनकर बनाकर कंप्लीट कर, बना कर, कर लिए उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लिए अब हम सीधा तरफ आए हैं तो सीधा तरफ हमें क्या करना है दोनों साइड में हम बॉर्डर कुछ फंदों का रखेंगे जैसे कि चार फंदों का ही रख लें या छः फंदों का रख लें बॉर्डर रख लेंगे हम इसके बाद बुनना शुरू करेंगे पहला फंदा उतार लेंगे और ये पहला फंदा उतार लिए फंदे को अपनी ओर करेंगे हम पूरा उल्टा बॉर्डर रखेंगे इस पर तो ये हो गया दो तीन चार पाँच और एक छः छः फंदों का हम यहाँ पे बॉर्डर रख रहे हैं फंदे को नीचे की ओर करेंगे और देखिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिज़ाइन इस पर हम डाल रहे हैं अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग डाल सकती हैं वरना आप लोग इसे प्लेन भी बुन सकती हैं एक दो तीन तीन फंदा हम सीधा बुनें एक फंदा उतार लेंगे फिर से तीन फंदा सीधा बुनेंगे दो तीन एक फंदा उतार लेंगे तीन फंदा सीधा बुनेंगे यानी तीन फंदा हमें सीधा बुनना है और एक फंदा को उतार लेना है इस लाइन में हमें इसी तरह इसे कंप्लीट कर लेना है और लास्ट में जो हम बॉर्डर रखे हुए हैं उसे हम बॉर्डर रखेंगे जितना यहाँ पे रखे हैं देखिए यहाँ पे हम रखे हैं कितने फंदो फंदों का छः फंदों का बॉर्डर हैं तो छः फंदों का हम लास्ट में बॉर्डर रखेंगे तीन हो गया एक फंदा उतार लेंगे तीन फंदा सीधा बुने एक फंदा उतार लिए तीन फंदा सीधा बुने एक फंदा उतार लिए तीन फंदा सीधा एक उतार लिए फिर से तीन फंदा सीधा बुने एक उतार लिए देखिए अब हमारे पास कुछ बचा हुआ है फंदा तीन फंदा सीधा बुने एक उतारें तीन फंदा सीधा बुने एक उतारें तीन फंदा सीधा बुने एक उतारें अब पहले हम देखेंगे कितना फंदा बचा ये छः फंदा हमारा बॉर्डर का बचता है तीन फंदा अभी हमें बुनना है एक दो तीन एक फंदा हम उतार लेंगे फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये छः फंदों का हम बॉर्डर बुनेंगे उल्टा एक दो तीन चार पाँच छ पलट लेंगे छ फंदों का हमें बॉर्डर बुनना है तो पहला फंदा हम उतार लेंगे पांच फंदा उल्टा बुनेंगे दो तीन चार पाँच ये बॉर्डर का हो गया सॉरी ये हो गया बॉर्डर का छ फंदा बॉर्डर हमें लेना है छ फंदा बॉर्डर हो गया एक फंदा उतारेंगे उतारा हुआ फंदा हमें दूसरा लाइन से उतार लेना है और फिर से हमें तीन फंदा बुनना है एक फंदा उतारा हुआ जो है वो अलग देखिए देखने में बिल्कुल अलग लग रहा है इसे हम उतार लेंगे फिर से तीन फंदा बुन लेंगे इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे उतारा हुआ फंदा उतारेंगे बुना हुआ फंदा बुन लेंगे देखिए उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा इसे बुनकर कंप्लीट कर, कर लिए अब हम इसे पलटेंगे पलटने के बाद पहला फंदा उतार लेंगे बॉर्डर जो हमें बुनना है बॉर्डर बुनेंगे उल्टा एक दो तीन चार पाँच छः फंदों का बॉर्डर हमारा जा रहा है अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये उतारा हुआ फंदा तीन के बाद हम एक उतारे थे तो तीन फंदा के बाद एक ये उतारे थे हमारा यहाँ बुनावट कैसा जाएगा अभी ये पूरा लाइन जाएगा एक उल्टा एक सीधा का तो ये सीधा है ये सीधा हमें रखना है जो उतारा हुआ फंदा था इसे हमें सीधा रखना है तो ये उल्टा हो जाएगा ये सीधा हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा तो फंदे को हम अपनी ओर करेंगे मेरी ओर है फंदा उल्टा बुने फिर फंदे को नीचे की ओर सीधा बुने, फंदा अपनी ओर उल्टा बुने अब देखिए उतारा हुआ फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे तो इस तरह से एक उल्टा एक सीधा करते हुए हम इस लाइन को बुन लेंगे और बॉर्डर जो हमें बुनना है वो बॉर्डर तो छ लाइन जो छः फंदा जो लास्ट का बॉर्डर हमारा जाएगा यहां पे ये उसी तरह चला जाएगा तो इसे भी हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं एक उल्टा और एक सीधा ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है और बहुत जल्द बन भी जाता है देखने में भी सुंदर लगता है तो इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए ये उल्टा कंप्लीट हो रहा है ये लाइन को हम कंप्लीट कर लिए बॉर्डर का जो छः फंदा था छः फंदा हम कंप्लीट कर लिए अब इसे पलट लेंगे ये उल्टा तरफ आ गया अब हम इसे इस लाइन को हमें पूरा उल्टा बुन लेना है इस लाइन में हमें सीधा नहीं बुना है, ये सीधा तरफ से यहाँ पे डिजाइन आएगा इसे हमें पूरा उल्टा बुन लेना है यहाँ पे कुछ भी हमें बदल नहीं करना है बॉर्डर तो उल्टा बुनाएगा ही इस लाइन को भी हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये लाइन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है इसे पलट लेंगे अब हम अगली लाइन पे आए एक फूल हमारा यहाँ पे बनके कंप्लीट हो गया यहाँ पे एक फूल हमारा बनके कंप्लीट हो गया अब हम दूसरा फूल बनाएंगे देखिए फूल कुछ इस तरह से बनेगा ये हम पांच फंदों का बनाए हैं जो हम अभी आप लोगों को तीन से बता रहे हैं ये पांच फंदों से बना हुआ है तो ये कुछ इस तरह से बनकर सामने आएगा तो देखिए अब यहाँ पे हम पहला फंदा उतार लेंगे पांच फंदा उल्टा बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे हम यहाँ पे ये फंदा उतारे थे तीन के बाद ये फंदा उतारे थे अब हमें यहाँ जो तीन फंदा जो बुने थे उसमें से बीच का फंदा एक उतारना है तो इसके लिए हमें क्या करना है एक फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा उतार लेंगे देखिए ये फंदा हम उतारे थे फिर से तीन फंदा सीधा बुनेंगे एक दो तीन एक फंदा उतार लेंगे एक दो तीन एक फंदा उतार लेंगे यानी कि यहाँ पे जो हम तीन फंदा उतारे थे तीन फंदा जो हम यहाँ उतारे बुने हुए थे एक फंदा उतारे थे तो इन तीन फंदों से बीच का जो फंदा है उसे हमें इस बार उतार लेना है इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए बुनेंगे अभी हम यहाँ पे ये हमारा उतारा हुआ फंदा है ये उतारा हुआ फंदा है तीन फंदा बुनेंगे एक दो तीन एक फंदा उतारेंगे तीन फंदा बुनेंगे दो तीन बस इसी चीज को हमें रिपीट करते चले जाना है उल्टा तरफ से जब हम आएंगे, उल्टा तरफ से जब हम आएंगे तो बुना हुआ फंदा बुन लेंगे उतारा हुआ फंदा को उतार लेंगे और फिर जब हम सीधा तरफ आएंगे तो हमें एक एक उल्टा एक सीधा बुनना है यहाँ पे एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए इस लाइन को हम अगला लाइन को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे दो फूल बन जाएगा दो फूल यहाँ पे आपका तैयार हो जाएगा तो चलिए हम इसी तरह से इसे बुनते हुए कुछ दूर तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए इसे हम बुनते हुए कितना इंच तक कम्प्लीट किए सात सावा सात इंच तक अगर आप देखेंगी तो सही रूप से देखेंगी सावा सात इंच साढ़े सात भी आप कर सकती हैं इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं अब हमें इस पे इसका आकार जो है यहाँ पे ये यह गोल इस तरह से हमें देना है कुछ गोल हम देंगे तो उसे अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी आप यहाँ पे फंदों को बंद कर सकते हैं बॉर्डर बनाने के बाद लेकिन चूंकि हम इसे गोल बना रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा हम गोलाई का रूप देंगे यहाँ पे इसके लिए देखिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा डिजाइन तो आप देख रही हैं डिजाइन का ऐसा लग रहा है देखने में छोटा सा अच्छा लग रहा है डिजाइन देखने में ये तो चलिए हम देखते हैं अब कि किस तरह से इसे हमें गोल बनाना है पहला फंदा उतार लेंगे दूसरा फंदा बुने तीन चार पाँच छ ये छः तो हम बॉर्डर का रखे हुए थे इसलिए छः फंदा हम बुन लिए अब देखिए अब साइड से हमें दो का एक करना है ये दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे दो एक हो गया अब जो डिजाइन आप यहाँ बुन रही हैं उस डिजाइन को आप बुनते चली जाए तो यहाँ पे हमें उतारना है ये फंदा तो तीन फंदा हम बुनेंगे एक दो तीन ये फंदा उतारेंगे फिर तीन बुनेंगे एक उतारें तीन बुने एक उतारें तीन बुने इस तरह से हम इस लाइन को लास्ट तक ले जाते हैं लास्ट में भी देखिए किस तरह से हमें यहाँ पे घटाना है

अब पलट लेंगे जो डिजाइन हम बुन रहे हैं उस डिजाइन को बुनते हुए हमें इस लाइन को भी कंप्लीट करना है छह फंदा हो गया अब यहाँ पे हमें फिर से दो दो का एक करना है उल्टा तरफ से भी हम दो का एक करेंगे तो ये दो का एक किए अब जो हम बुन रहे हैं उसे हम बुनेंगे तीन फंदा बुन लिए एक फंदा उतारे तीन फंदा बुने एक फंदा उतारे तीन फंदा बुने एक उतारें इस तरह से लास्ट तक हम इसे ले जाएंगे बुनते हुए हमें यहां भी बॉर्डर के पहले घटाना है दो का एक करना है तो हम देखते हैं छह फंदा तीन तीन छः फंदा छोड़कर ये दो का हम एक कर लेंगे और बॉर्डर बुन लेंगे जिस तरह से बॉर्डर बुना हुआ है छह फंदों का बॉर्डर पलट लेंगे अब देखिए अब इसी तरह से हमें बुनते हुए इसे कुछ लाइन कंप्लीट कर लेना है दोनों तरफ से हमें एक एक फंदा घटाते चले जाना है और यहाँ पे जैसे कि हम कितना लाइन कंप्लीट करेंगे कम से कम अभी हम दो बार यहाँ पे कम किए हुए हैं कम से कम भी तो हम यहाँ आठ से दस फंदा यानि कि अभी हमारा यहाँ पे दो फंदा कम हुआ दो फंदा कम हुआ और हम आठ फंदों को कम करेंगे देखिए जैसे कि यहाँ पे है ये तीन तीन छः हो गया अभी हमारे पास दो फंदा कम हुआ है तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इतना फंदा कम होना चाहिए इतना फंदा कम हो जाएगा इसके बाद हम बॉर्डर बुन लेंगे इसी तरह का बॉर्डर टोटल फंदों को लगाकर बॉर्डर बुन लेंगे बुनने के बाद बॉर्डर देखिए इस तरह से इसे हम कितना इंच तक बना लिए हैं नौ इंच नौ इंच तक कंप्लीट हो गया है अब हम यहाँ पे इसे बंद करेंगे बंद करने से पहले आप लोगों को हम बतला दें कि यहाँ पे जो हम घटाना शुरू किए यहाँ से हम घटाना शुरू किए दस फंदा हम एक तरफ से कम किए दस फंदा एक तरफ से कम किए इसके बाद जो हम यहाँ पे उल्टा बुन रहे हैं बॉर्डर ये जो उल्टा दिख रही है बॉर्डर बुन रहे हैं हम तो बॉर्डर बुनते समय भी हम घटाते चले जा रहे हैं जैसे यहाँ पे एक दो तीन तीन बार बुन चुके हैं तो तीनों बार हम दो का एक इस तरफ से भी किए हैं और इस तरफ से भी किए हैं वो देखिए हम किस तरह से किए हैं पहला फंदा हम उतार लिए यहीं पर इसी स्थान पे दो का एक कर लेंगे और फिर बुनते चले जाएंगे तो यहाँ पे जो आप देख रही हैं हम बुन चुके हैं एक दो तीन तीन लाइन जो हम बुन चुके हैं तीनों में हम इसी तरह दो का एक कर चुके हैं ये चौथा लाइन जा रहा है इसमें भी हम दो का एक कर लिए यहाँ आप लोगों को बतला दिए हम और अब हम इस छोर तक पहुँचेंगे लास्ट तक पहुँचेंगे हम और एक चीज़ हम यहाँ पे बता दें कि जो यहाँ पे फंदा लिए हुए हैं ये डिजाइन में ये जो डिजाइन है ये फैलने वाला डिज़ाइन नहीं है फैलता नहीं है सिकुड़ता है हल्का सा तो इसलिए अगर आप यहाँ पे नौ के जगह बारह या तेरह चेन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप तो तेरह चेन ले लें या बारह सॉरी चेन नहीं तेरह फंदा या बारह फंदा आप ले लें उसके बाद बुनें अगर आप चाहती हैं तो और नहीं तो फिर अगर ये डिजाइन नहीं डाल रही हैं प्लेन बुन रही हैं तो फिर आप नौ फंदा लेकर बुन सकती हैं तो देखिए एक ही लाइन में हम किस तरह से दो फंदों को कम करेंगे एक फंदा तो भी हम कम कर चुके हैं दिखला चुके हैं आप लोगों को दूसरा फंदा भी देखिए हम किस तरह से कम करेंगे देखिए अब हमारे पास तीन फंदा यहाँ बचा तो दो का एक कर लेंगे दो का एक कर लेंगे एक फंदा जो लास्ट में बचा इसे बुन लेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे फंदों को कम किए हुए हैं दोनों तरफ से एक एक फंदा अब हम एक बार उल्टा बुन लेंगे उल्टा तरफ से पूरा इसके बाद जितना भी फंदा यहाँ पे बच रहा है सब को हम बंद कर लेंगे और दूसरा तरफ का भी हम इसी तरह बुन लेंगे जिस ढंग से यहाँ पे बुने हुए हैं इसी ढंग से बुन लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार होगा हम सारे फंदों को यहाँ बंद कर चुके हैं इसे हम धागे को अंदर की ओर ले जाकर यहाँ पे गांठ लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे अब हम दूसरी तरफ बुनेंगे तो दूसरी तरफ भी हम उसी तरह बुनेंगे जैसे कि ये हो गया उल्टा यहाँ यहाँ से हो गया तो हम यहाँ से ही फंदा इस पर डाल लेंगे इस तरह से हम इस तरफ से ही फंदे को डाल लेंगे यहाँ से एक एक करते हुए तेरह फंदा रख रही हैं तो तेरह फंदा डालें नौ फंदा रख रही हैं तो नौ फंदा डालें इस तरीके से उठाते हुए हम यहाँ पे फंदों को रख लेंगे आप क्रोसी की मदद से भी उठा सकती हैं कम या ज़्यादा हो गया तो आप एक फंदे से दो फंदे भी बढ़ा सकती हैं देखिए इस तरीके से हम तीन छः एक साथ हुआ है आठ नौ दो फंदा एक यहाँ से उठ जाएगा और एक और बीच से एक हम उठा लेंगे तो इस तरह से यहाँ पे उठा लेंगे हम फंदों को उसके बाद जब हम बुनते हुए इसे इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो फिर से हम यहाँ से भी फंदों को उसी ढंग से उठा लेंगे तो हमारा यहाँ पे जोड़ नहीं आएगा सिर्फ हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा सुई धागा की मदद से तो चलिए इसे हम सबसे पहले यहाँ पे फंदों को हम क्रोसिए की मदद से उठा लेते हैं और एक बात हम बता दें कि इस पर अगर आप तेरह फंदा रखेंगी या बारह फंदा रखेंगी तो इस डिज़ाइन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा नौ फंदा में यहाँ पे कुछ सिकुड़ा आ जाएगा सिकुड़ जा रहा है ये डिजाइन फैलता है पहनने के बाद फैलेगा लेकिन देखने में मतलब ये फैल फैलने वाला डिजाइन नहीं है इसलिए हम यहाँ पे तेरह फंदा डालेंगे अगर आप यहाँ पे नौ फंदों से शुरू की हुई हैं तो नौ फंदा हटाकर तेरह फंदा डाल लें ज़्यादा अच्छा रहेगा देखिए हम यहाँ से फंदों को उठा लिए हैं उठाने के बाद इसे हम बुनाई कर रहे हैं ये उल्टा तरफ से सबसे पहले क्योंकि हम इस तरफ उल्टा रखेंगे नहीं हमें सीधा रखना होगा उल्टा सीधा देख ले तब बुने देखिए इस तरह से आप बिछा कर देख लें ये सीधा तरफ का है और हम इधर से बुनेंगे तो ये उल्टा आएगा अंदर की ओर सीधा जाएगा तो यहाँ पे हम फंदे को डाल चुके हैं अब यहाँ पे हम इसे इस लाइन को उल्टा बुनेंगे तब हमारा ये उल्टा तरफ से आएगा और अगर आपको इस तरह से करने में दिक्कत हो रहा है तो फिर जिस ढंग से हम यहाँ पे फंदों को डालकर बुने हुए थे उस तरह से भी आप फंदों को सिलाई पे डालकर बुन सकती हैं इस तरह से हम ये उल्टा तरफ से पूरा उल्टा इसे बुनेंगे इस चीज को ध्यान में रखें कि किस किस तरफ से आपका सीधा जा रहा है बुनावट और किस तरफ से आपका उल्टा बुनावट जा रहा है किस तरीके से हम इस लाइन को यहाँ तक बुन लिए अब जो फंदा हमें डालना है वो फंदा हम फिर से इस पर डाल लेंगे देखिए फंदा को हम किस ढंग से उठाएंगे यहाँ पे देखिए इस तरीके से आएगा हमारा ये चीज तो फंदे को हम ये हमारा सीधा हो जाएगा ये सीधा हो जाएगा देखिए इसलिए हम इस तरफ से बुने हुए हैं ये सीधा हो जाएगा तो हम फंदे को कि, किस तरफ से उठाएंगे हम इस तरफ से उठाएंगे इस तरीके से उठाएंगे ताकि यहाँ उल्टा जो है उल्टा आपका इस तरफ आ जाए देखिए हम इस तरीके से फंदे को उठा लेंगे उठाने के बाद में इसके बाद हम बुन लेंगे यानी कि हम फंदे को इस तरफ से उठाते हैं देखिए हम यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से पूरा उठा कर नहीं बतला रहे हैं सिर्फ ये तरीका तो बता रहे हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से उठा लेंगे फंदों को और इसके बाद यहाँ पे बुनना शुरू करेंगे अब बुनते हुए जब हम इसे बुनना शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ पे यहाँ से ये चला जाएगा बुनावट आते हुए चला जाएगा सेम चीज़ को हम बुन लेंगे सेम डिज़ाइन को बुन लेंगे बुनते हुए हम यहाँ से यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेंगे अगर आप पीछे का पल्ला थोड़ा छोटा रखना चाह रही है तो थोड़ा आप छोटा रख सकती हैं यानी छोटा मतलब सात इंच के लगभग रख सकती हैं आगे का बड़ा होता है हल्का पीछे का छोटा होता है वो आप देख लें जिस ढंग से आप बनाना चाहती हैं तो हम इस तरीके से अगर आप सात इंच का रखेंगी तो सात इंच रखेंगे तो यहाँ पे आपको उसके पहले से घटाना फंदे को शुरू करना होगा और आप बिल्कुल सेम रखेंगी तो जिस तरीके से हम इसे बनाए हुए हैं उसी तरीके से आप इसे बनाकर कंप्लीट कर लें तो चलिए हम इस इसे पूरा इसी ढंग से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं फिर यहाँ पे हम सिलने का तरीका बतलाएंगे इस तरह से इसे देखिए हम जिस तरह से इस इस तरफ का पल्ला तैयार किए इस तरफ का भी पल्ला तैयार कर चुके हैं अब यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे कट करने के बाद इसे हम अंदर की ओर ले जाकर गांठ लगा देंगे अब हम चलिए यहाँ पे इसे सिलने के लिए सिलते हैं क्योंकि ये तो सिलना पड़ेगा आपको बीच में या आप यहाँ बटन दे सकती हैं टिप बटन डाल सकती हैं या सिलाई कर सकती हैं तो हम यहाँ पर इसे सिल दे रहे हैं तो हम सिलेंगे किस तरह से जो इसे देखने में भी अच्छा लगे और पता भी ना चले देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर हमारे पास था धागा ये ऊन था तो हम इसे ही यहाँ पे जोड़ लिए हैं इस पर ही कट करके और सुई पिरो लिए हैं अब इसे हम दोनों को सबसे पहले यहाँ पे आपस में जोड़ेंगे देखिए इस तरीके से जोड़ लेने के बाद एक बार और हम यहाँ पे सुई चला लेंगे ताकि ये बिल्कुल सही रहे देखिए अभी इसे अंदर की ओर ले जाएंगे हम ये अंदर की ओर ले जाकर हम गांठ लगा देंगे उस पर अब देखिए हमें सीलना किस तरह से है सबसे पहले हम इस तरफ लाते हैं देखिए ये जो है इसपे हम हुक को डालेंगे ये इस तरीके से लिए सुई को डालें डाल लेने के बाद यहाँ से हम यहाँ से सुई डालेंगे और इस तरफ निकालेंगे इस ढंग से फिर से हम यहाँ सुई डालेंगे और यहाँ निकालेंगे आपका ये जोड़ पता नहीं चलेगा यहाँ पे इस ढंग से अगर आप सिलेंगी तो बिल्कुल लगेगा जैसे बुना हुआ है फिर हम यहाँ पे सुई डालेंगे और इस तरफ निकालेंगे देखिए इस ढंग से फिर हम सुई हमें सुई इस तरफ नहीं ले जाना है धागे को इस तरफ इस तरीके से नहीं सिलना है हमें सुई को यहाँ से डालना है और इसमें इस, इस तरफ निकालना है देखिए इस ढंग से फिर से सुई को यहाँ डालेंगे और इस तरफ निकालेंगे तो ये देख पता भी नहीं चलेगा और सिलाई अच्छा देखने में भी यहां पे लगेगा तो इस तरह से सिलते हुए हम इसे यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट करेंगे देखिए यहां तक कंप्लीट कर लेंगे इसे हम पूरा कर तो चलिए इसे सिल लेते हैं इस ढंग से हम देखिए सिलने के बाद इसे हम पलट लेंगे पलट लेने के बाद देखिए आपका इस तरह से कुछ बनकर तैयार हो जाएगा ये कुछ इस तरह से बनकर आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को, को ये बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा चलिए फिर मिलते हैं अगले अगले वीडियो में